2017 में भी एकजुट था सपा और कांग्रेस साथ, 2019 में भी एकजुट था, 2022 में भी एकजुट। आज कहाँ है 2017 के गठबंधन वाले लोग, 2022 वाले बहन जी कहाँ हैं आज गठबंधन का? 2022 में जो गठबंधन में थे उन साथियों के अखिलेश जी के बारे में क्या रहा है? तो देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है और लगातार जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम, हमारी सरकारें, हमारे कार्यकर्ता एक को लगातार जनता के बीच में लगातार रहते हैं। ये लोग सीजनल हैं, चुनाव जब आएगा तो गठबंधन के माध्यम से, इधर उधर की बातों के माध्यम से और सारे विषय जनता के जो विषय हैं उन जनता के विषयों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है। राजभर का नहीं हो रहा बीजेपी, अखिलेश यादव हमारा 80 में 80। अखिलेश यादव जी ने 2022 में भी 400 से ऊपर कहा था, ये तो ध्यान नहीं उनका भी है। अखिलेश यादव जी ने 80 में 80 कहा 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीत रही थी। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। आपने जैसा कहा कि शिकायत की है तो मैं सरकार का हिस्सा तो हूँ नहीं, मुझे शिकायत की कोई जानकारी नहीं है। अगर शिकायत सरकार के पास आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के प्रति उनकी नीति है जीरो टॉलरेंस की, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करें। नहीं, आपके संज्ञान में लाया जा रहा है, क्या आप शासन तक पहुँचाएंगे? आपने कहा ना जी शासन की तरफ पहले से प्रस्तावित है, तो मैं दिखवा लूंगा हमें अगर इस तरह कोई बात होगी। भूषण स्वामी को लेकर के यूपी भी जो है राजनीति में जा रहा है, सात पंचायत से लेकर सारे आंदोलन, ये विषय कुश्ती संघकार पहलवानों के बीच का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर सरकारी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो जो रिपोर्ट देनी उसी आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। राजनीति का केंद्र यूपी बनता जा रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैंने जो आपको कहा ना उतना मेरा सर, ये कुछ सुनिए, कुश्ती संघ और पहलवानों का विवाद है, कुछ लोगों ने शिकायत की है, उसका मुकदमा दर्ज है, जांच हो रही है, जो जांच रिपोर्ट आई उसी के आधार पर कार्रवाई। 2024 को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या कहेंगे आज, क्या इतनी मांग? नहीं, मेरे पास पूरे उत्तर प्रदेश का काम है पार्टी का, और पार्टी के कार्यक्रम अभियानों के लगातार हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में, ये हमारा अभियान है, एक महीने चलने वाला अभियान है। इस अभियान की हमारी अपेक्षा ये है कि हमारा एक कार्यकर्ता अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में घर घर तक जाए। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक जनसंपर्क महाअभियान तय किया है और 20 मई से 30 जून तक हमें अलग अलग स्वरूपों में घर घर जाकर अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की, देश की मान जनता को बताना है। आज उसी सिलसिले में जौनपुर में जो पार्टी के द्वारा एक निर्धारित कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में लाभार्थी सम्मेलन और विकास तीर्थ का अवलोकन जो हमारी सरकारों में काम हुए, तो दो कामों में मैंने आज प्रतिभाग किया है और मुझे विश्वास है कि हम अपने 9 वर्ष के कार्यकाल, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हमारी सरकार ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर घर घर जाएंगे और अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड इस प्रदेश की और देश की जनता के समक्ष रखेंगे। आज आपने यूपी का अस्तरीय निरीक्षण किया और तमाम जो विकास कार्य योजनाएं कर रहे हैं, क्या पाया? इस सरकार के तरफ से जो विकास के काम हुए, एसटीपी का काम है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उसमें कुछ काम अभी निर्माणाधीन है, तो सरकार की जो संकल्प है हमारा, हमारे जो विकास, हमारा जो एजेंडा है, उस एजेंडे के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और काम करना भी और काम दिखाना भी, ये सारे हमारी प्राथमिकता है। तो एसटीपी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बड़ी संख्या में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें पूरे जौनपुर के नाले ट्रैप करके स्वच्छ पानी
का उपयोग हो, गोमती स्वच्छ हो, इस अपेक्षा के साथ इस अभियान को सरकार अलग अलग योजनाओं से आगे बढ़ा रही है। सीपी का जो है इसमें प्रशासन में काफी गड़बड़ी